हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस है बेटा। तो हम साथ साथ ही जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी वो हम साथ साथ ही नोट करेंगे उसको और उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कॉस 2x, ठीक है। cos की पावर क्या है 4 और 2x दिया गया है, ठीक है बेटा। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन में चेंजेस करेंगे, फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये cos स्क्वायर 2x, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dx लगाएंगे, ओके बेटा। तो हमारे पास जो cos 2 थीटा का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हम कॉस स्क्वायर 2x, मतलब कि हमारा यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे क्या होगा 4, तो यहाँ पे होगा आपके पास कॉस 4 थीटा। तो 4 थीटा की बजाय हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अब 4x फॉर्मूले में ही चेंज कर लेते हैं इसको जो हमारा दिया गया है, ठीक है। कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, ओके। आ जाएगा cos 4x माइनस 1, इधर आपके प्लस हो जाएगा और ये 2 हमारे पास आ जाएगा ना, ये cos 2x, ठीक है। तो ये 2 भी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है यहाँ पे, cos या 2x के प्लेस पे आप ये लिखेंगे। तो ये आ जाएगा cos 4x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे आपके पास, तो इसलिए आप इसको स्क्वायर कर लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 2 का स्क्वायर किया तो इसलिए 1 बाय 4 आ जाएगा, cos स्क्वायर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का क्या आएगा 2 cos 4x, ठीक है, क्योंकि a हमारा 1 है यहाँ पे, ओके बेटा। तो होल फंक्शन के साथ आ जाएगा आपके पास dx। अब अगेन आप देखते हैं हमारे पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट आप क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला, ओके। बट यहाँ पे एंगल आपके पास 4x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x। तो 1 बाय 4 cos 8x प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x होल फंक्शन के साथ आएगा dx, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन का लगा देंगे और इस सभी फंक्शन को सेपरेट राइट करेंगे। 1 बाय 4 ऑल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos 8x बाय 2 है तो ओके। तो dx प्लस 1 बाय 4 1 dx, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ भी है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, प्लस अगेन हमारे पास यहाँ 1 है तो 1 dx हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय 4 सबके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 2 है अपॉन में 4 cos 4x dx, ठीक है। अब आपने 1 बाय 4 और फंक्शन के साथ लगा लिया और 2 इसके साथ था, 2 आपका इसके साथ भी था, ठीक है। तो ये आ गया, इसके साथ हमारा ओनली 1 बाय 4 था, इसके साथ ये आ गया, कटिंग किया आपने 2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, cos 8x का क्या आ जाएगा sin 8x, साइन 8x आ गया आपके पास, ओके। अब 8 ये तो 8 ये हुआ तो 8 ये भी आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 8x प्लस हमारे पास 1 बाय 4 और 2 कितना हो जाएगा 1 बाय 8 और dx का क्या आएगा x आ जाएगा, प्लस अब यहाँ 1 का क्या आएगा x, x बाय 4। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 1 बाय 2 है cos, 1 बाय 2 cos 4x का क्या आएगा sin, साइन 4x, ठीक है। अब 4x का भी आएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट आएगा आपके पास। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास साइन 8x अपॉन 64 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ 2 आ जाएगा 8, 4 2 जा 8 और 2x, तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है, प्लस साइन 4x और ये हो जाएगा 8 और प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। चेक कर लो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ओके बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 12। तो
इस साइड का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको बोला गया है साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। यहां दिया गया है आपको साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया गया है आपको फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स, ये वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए ये अप्लाई करेंगे, आप फंक्शन को राइट किया आपने, साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, होल फंक्शन के साथ डी एक्स आपके पास। अब यहाँ ऊपर हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो राइट करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कट हो गया आपका, ठीक है, तो आपके पास बचा 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 तो डी एक्स आ जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस सी, तो ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इस साइड करेंगे, आप नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपके पास है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। ओके बच्चे चलिए अब आप क्या करेंगे बेटा, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे cos की फॉर्म में, ये वाला है, ये देख रहे हैं cos 2x का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला। चलिए लगाएंगे अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को इंटीग्रेशन की फॉर्म में राइट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा cos 2x को लिखेंगे 2 cos, तो लिखेंगे आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, माइनस इसके लिए भी यही लगाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके चलिए नीचे आपके पास है cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। ओके बेटा अब यहाँ पे देखिए आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 dx अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। बच्चे यहाँ पे देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से आप 2 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 बाहर, अंदर आएगा आपके पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये आ गया cos x माइनस cos अल्फा। अब बच्चे यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा आपका, तो cos x a माइनस b और a प्लस सॉरी x है यहाँ पे a प्लस b, cos x माइनस cos अल्फा। अब बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं cos x माइनस cos अल्फा cos x माइनस cos कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन आप सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, अब यहाँ प्लस है तो टू भी आएगा इसके साथ cos अल्फा dx, ठीक है, आप इसको करेंगे यहाँ पे सेट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 cos x का क्या होएगा sin x, 2 sin x, ठीक है, ये आ गया प्लस। ओके cos x का क्या इंटीग्रेशन होगा sin x,
प्लस टू। अब देखिए यहाँ पे बेटा कॉस अल्फा जो है आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। कॉस अल्फा क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट है। तो डी एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, एक्स। ओके प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ये टू साइन एक्स प्लस टू कॉस अल्फा एक्स प्लस सी। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर। ठीक है, या नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14 इस साइड, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है बेटा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन में दिया गया है आपको 1 प्लस sin 2x, 1 प्लस sin 2x ये दिया गया है। ठीक है, ओके बेटा। अब आप क्या करेंगे, देखो हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला है, बोलिए 2 sin x और cos x। ठीक है, और हमारे पास 1 के लिए क्या है, cos square x plus sin square x is equal to 1। ठीक है, तो ये आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, cos x minus sin x whole के साथ dx upon में, इसको आप करेंगे इस फॉर्म में राइट करेंगे, sin square x plus cos square x plus sin 2x को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 2 sin x cos x। ठीक है, तो यहां पे बच्चे यहां पे देखिए आपको cos x minus sin x dx। ओके, यहां पे बच्चे यहां पे ये आपके पास a square plus b square का फॉर्मूला बन गया, a square b square 2ab। तो आप लिखेंगे sin x plus cos x का होल स्क्वायर। ओके ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। आप देख रहे हैं sin x plus cos x का डेरिवेटिव चल रहा है ऊपर, तो आप पुट करेंगे sin x plus cos x is equal to t। तो ये आ जाएगा cos x minus sin x dx is equal to dt। तो ये होल फंक्शन के लिए आप dt रखेंगे ऊपर, तो नीचे आ जाएगा आपके पास t का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए आप t पुट करेंगे। बच्चे यहाँ पे आप देखिए t हमारा ऊपर चल के माइनस हो जाएगा, अब आप इसकी इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस टू प्लस वन प्लस माइनस माइनस वन प्लस सी। तो बच्चे यहाँ पे माइनस वन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये t के साथ क्या आ गया हमारा, माइनस वन। ठीक है, तो ये आ गया माइनस वन प्लस सी। अब आप यहाँ पे इसको करेंगे माइनस, टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल के साथ क्या था, माइनस वन की बार प्लस सी। तो ये आ जाएगा आपका माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप। ठीक है, चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बेटा आपके पास tan क्यूब 2x, राइट करेंगे tan क्यूब 2x, फिर आपको दिया है sec 2x, ये दिया है, इंटीग्रेशन लगाएंगे फंक्शन के साथ आप। ठीक है, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे देखिए tan क्यूब 2x है। ओके, तो पहले आप फंक्शन में थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, tan स्क्वायर 2x और आ जाएगा tan 2x और ये आ जाएगा sec 2x और dx। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे tan 2x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x, है ना, माइनस वन। तो ये आ जाएगा
tan 2x और sec 2x dx। अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है sec square 2x ये बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा आपके पास sec square 2x tan 2x sec 2x माइनस tan 2x sec 2x। ठीक है, तो दोनों फंक्शन के साथ dx भी आएगा, क्या आएगा dx। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, हमने इतना तो सोल्यूशन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अगर आप sec 2x को लेट करते हैं t, तो हमारे पास sec 2x का डेरिवेटिव चल रहा है sec x tan x। ठीक है, तो आप लेट करेंगे यहाँ पे, पुट कर लीजिए sec 2x इज इक्वल टू t और sec 2x tan 2x dx is equal to dt। इस फंक्शन के लिए आप पुट कर दीजिए। ओके बेटा, क्लियर है, यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे तो पता है आपको, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना यहाँ पे, तो हमें इसका इंटीग्रेशन, हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या है, sec 2x है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन के लिए पुट करेंगे आप। ओके, तो आप अगर आप नाम देना चाहें इनको आई वन आई टू, ये भी नाम दे सकते हैं इनको, क्या नाम दे सकते हैं आप, इंटीग्रेशन हमारे पास है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें फंक्शन में पुट करना है, तो आप क्या करेंगे, बस ये स्टेप कर लीजिए, जो आई हमारे पास है एक, इसमें आई वन है प्लस आई टू। ठीक है, इंटीग्रेशन एक फर्स्ट ये ले लीजिए, सेकेंड ये, तो फर्स्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, वही जो हमने अभी किया। ठीक है, sec 2x tan 2x और sec 2x, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पुट किया था sec 2x is equal to t, तो याद रहेगा sec 2x और tan 2x dx is equal to dt, तो ये आ जाएगा बेटे हमारे लिए t का स्क्वायर और ये आ जाएगा dt, तो ये हो जाएगा t का क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। ठीक है, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आगे अब इसका करेंगे तो सेकंड का यहाँ पे कर लेते हैं, ये वाला आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस साइड आ जाएंगे, अभी आप यहाँ पे करेंगे सेकंड इंटीग्रेशन, वो है हमारे पास tan 2x और sec 2x dx। ठीक है, तो इसके लिए सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी है आपके पास, वो क्या है sec 2x plus c, ये आ जाएगा, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये पुट कर देंगे आपको इक्वेशन दिस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ये ले लो, ये ले लो सेकंड, और ये ले लो आप थर्ड। ठीक है, आप पुट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इन, सॉरी सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में आया है आपके पास t क्यूब, तो t हमारे पास क्या है, sec है ना यहाँ पे, तो आ जाएगा आपके पास sec क्यूब x 2x, क्या आएगा यहाँ पे 2x, तो 2x अपॉन में आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, प्लस c, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेम है, ये आ जाएगा sec क्यूब 2x अपॉन में 3 प्लस, अब इसका क्या था, प्लस की था यहाँ पे माइनस था, वो भी आपको देखना है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारे पास sec 2x plus c, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का, ये 15 का आंसर आपका नोट कर लीजिए आप, 15 का आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक, यहाँ पे ऐसे 2x है तो 2x का भी आएगा, तो वो क्या आएगा 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ओके बेटा, और अगेन यहाँ पे हमारे पास तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो आपको सीधा इंटीग्रेशन देनी थी इसकी। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर
किसका आंसर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे भी 2x 2 आएगा, क्यों? क्योंकि 2x एंगल है तो उसका भी आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 16, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएंगे अभी आप। लग रही है यार 20 मिनट की।